नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल डॉग ब्रीड के बारे में। तो आइए आरंभ करते हैं। नंबर 10, चाउ चाउ। चाउ चाउ एक मजबूत शेर जैसा दिखने वाला कुत्ता है जो मूल रूप से उत्तरी चीन में पैदा हुआ था। इस नस्ल का कोट बहुत घना होता है जो सख्त या आसान दोनों तरह से आता है। गर्दन पर मोटी खाल से शेर जैसा लुक आता है। यह नस्ल 5 रंगों में उपलब्ध है, गुलाबी, काला, क्रीम, दालचीनी और नीला। आकर्षक लुक के अलावा चाउ चाउ सुरक्षा और शिकार में अपनी क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। नंबर 9, मिनिएचर श्नाउजर। मिनिएचर श्नाउजर एक छोटा कुत्ता है जो अपनी विशिष्ट मूंछों और कोट के लिए पहचाना जाता है। वास्तव में उनका कोट एक डबल कोट है जो नीचे के नाजुक कोट के ऊपर एक सख्त बाहरी कोट है। यह एक जर्मन नस्ल है और अमेरिका और यूरोप में इसे बहुत माना जाता है। लघु श्नाउजर कुत्ते की सुंदरता का वर्णन उसके पैरों पर लंबे बालों, घनी भौहों और दाढ़ी से किया जाता है। वे असाधारण रूप से वफादार, स्नेही, चतुर, चंचल और सतर्क हैं। नंबर 8, आइसलैंडिक शीप डॉग। यह अत्यंत सामाजिक और सुंदर नस्ल मूल रूप से वाइकिंग बसने वालों द्वारा 874 और 930 ईस्वी के बीच आइसलैंड में लाई गई थी। कई शताब्दियों तक आइसलैंडिक कुत्ते उन्हें अपने मेमनों की रक्षा करने में मदद करते थे। इस सतर्क नस्ल को उनके मूल आइसलैंड में भी चित्रित किया गया है। मोटा कोट उन्हें अत्यधिक ठंडे मौसम में जीवित रहने में मदद करता है। उनके कोट का रंग सुनहरा, काला, भूरा और गुलाबी होता है। नंबर 7, बर्नीज माउंटेन डॉग। बर्नीज माउंटेन कैनाइन एक बड़ी प्यारी नस्ल है जो शुरू में स्विट्जरलैंड में पैदा हुई थी। यह निश्चित रूप से स्विस पर्वतीय कुत्तों की शैलियों में से एक है। इस गोरी नस्ल का कोट 3 रंग का मोटा होता है। बर्नीज माउंटेन कैनाइन की छाती काली और सफेद होती है। बर्नीज माउंटेन कैनाइन की आंखों, मुंह और प्रवेश पैरों पर जंग के रंग के निशान हैं। उनकी झाड़ीदार पूंछ नीचे की ओर होती है और कान त्रिकोणीय आकार के होते हैं। नंबर 6, अलास्कन मैलम्यूट। अलास्का मालाम्यूट एक प्रमुख और अत्यधिक सम्मोहक कैनाइन किस्म है। यह संभवतः पृथ्वी पर सबसे पुरानी कुत्तों की नस्लों में से एक है। शुरुआत में उन्हें वजन खींचने के लिए पाला जाता है। आज यह सुंदर नस्ल घरेलू पालतू जानवरों के बीच बहुत लोकप्रिय है। अलास्का मालाम्यूट कुत्तों का कोट भी मोटा और रंगीन होता है। अलास्का मैलामिट्स हल्के भूरे, सेबल, काले और सफेद, भूरे और सफेद और गुलाबी और सफेद सहित कई रंगों में पाए जाते हैं। नंबर 5, अकिता इनु। अकिता इनु एक बड़ा और रमणीय कुत्ता है जो मूल रूप से जापान में पैदा हुआ था। वे पृथ्वी पर दो प्रकार के अकिता हैं, जापानी और अमेरिकी। जापानी अकिता केवल 5 अलग अलग रंग रूपों में दिखाई देती है जिनमें शुद्ध सफेद, फौन, गुलाबी, तिल और ब्रिंडल शामिल हैं, लेकिन अमेरिकन अकितास सभी कैनाइन रंगों में उपलब्ध है। नंबर 4, बीगल। यह एक उचित आकार का कुत्ता है जो लघु फॉक्सहाउंड जैसा दिखता है। यह संभवतः यूएस की सबसे लोकप्रिय नस्लों में से एक है। बीगल का सिर चौड़ा और थूथन छोटा चौकोर होता है। इस नस्ल की ऊंचाई 14 से 16 इंच के बीच होती है और इसका वजन 11 किलोग्राम तक होता है। उनकी आंखें बड़ी होती हैं और उनके कान लंबे नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। वे तिरंगे, सफेद, गुलाबी और नींबू सहित कई प्रकार के रंगों में उपलब्ध हैं। नंबर 3, गोल्डन रिट्रीवर। अच्छा, सुंदर और अच्छे स्वभाव वाला गोल्डन रिट्रीवर संभवतः पृथ्वी पर सबसे लोकप्रिय कुत्तों की नस्लों में से एक है। इस खुशमिजाज कुत्ते के पास एक सुंदर घना जलविकर्षक कोट है जो सीधा या लहरदार दोनों तरह से आता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, उनके कोट का रंग सुनहरे रंग के विभिन्न रंगों में दिखता है। अद्भुत होने के अलावा गोल्डन रिट्रीवर एक आदर्श बचाव कुत्ता, आज्ञाकारी, चतुर और ऊर्जावान है।
नंबर 2 पोमेरेनियन। पोमेरेनियन पृथ्वी पर अत्यधिक सम्मानित ऊर्जावान और अद्भुत नस्ल है। इस छोटी नस्ल में मोटा दोहरा कोट होता है। यह सेबल गुलाबी नारंगी लैवेंडर ब्रिंडल मेले चॉकलेट और क्रीम सहित सभी प्रकार के रंगों में उपलब्ध है। लंबा बाहरी कोट पोमेरेनियन नस्ल को एक अनोखा लुक प्रदान करता है। इस प्यारी छोटी नस्ल को पोम्स के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1 साइबेरियन हस्की। सुंदर साइबेरियन हस्की एक भेड़िए की तरह दिखता है और अपनी मित्रता और वफादारी के लिए जाना जाता है। उनके पास वास्तव में मोटा कोट होता है जो विभिन्न रंगों में उपलब्ध होता है। वास्तव में साइबेरियाई कर्कश का कोट अधिकांश अन्य नस्लों की तुलना में अधिक मोटा होता है। हस्की के चेहरे पर निशानों की शैली भी होती है। रंगीन मोटे कोट के अलावा बादाम के आकार की बहुरंगी आंखें साइबेरियन हस्की को एक अनोखा रूप प्रदान करती हैं। तो यारो, आज का प्रोग्राम हमारा यही पे समाप्त होता है। आप लोगों को इनमें से कौन सा डॉग ब्रीड ज्यादा अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। बाय बाय।